हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सचेंज 22 प्रोडिक्शन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर वर्सेस दिल्ली कैपिटल के मध्य जो वीवो आईपीएल का मैच खेला जाने वाला उसके एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन प्रोडिक्शन पिक्स के बारे में। तो दोस्तों, बाय सेल होल्ड के साथ साथ प्रीमियम मल्टीबैगर में कौन सी बेस्ट पिक रहने वाली, इस वीडियो में हम पूरा विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गिव अवे के बारे में। दोस्तों, ये गिव अवे जो थोड़ा सा यूनिक होने वाला है, अब 200 रुपीज़ का आपको जो गिव अवे मिलने वाला है। अब गिव अवे दो पार्ट में मिलेगा 100 100 रुपीज़ में। सबसे पहले आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और कमेंट करके बताना है कि कौन से दो प्लेयर्स जो है ज़्यादा रन बनाने वाले हैं। अब मैं प्लेयर्स के नाम लूँगा और आपको उन प्लेयर के बारे में गेसिंग लगाना है। तो दोस्तों, आपको बताना है गिव अवे में कि ऋषभ पंत, ठीक है ना, ऋषभ पंत आरपी प्लस आप डीके लिख सकते हो दिनेश कार्तिक, दोनों मिलके कितने रन्स बनाने वाले हैं ये आपको गेस करना है, ठीक है ना। और जिसका कमेंट सही होगा उसको 100 रुपीज़ का पेटीएम कैश मिलेगा। प्लस सेकंड गिव अवे में क्या है कि जिसके सबसे पहला कमेंट होगा, ठीक है ना, जिसका फर्स्ट कमेंट होगा ना उसको जो है वो 100 रुपीज़ मिलेगा, जो कि एक प्रकार से सही चलता है। अब ये हमारे यूज़र की तरफ से फीडबैक मिला कि भाई जिसके कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होते हैं ना, तो यूज़र क्या करते हैं, या तो बहुत सारे ईमेल्स बना के खुद को लाइक कर लेते हैं या किसी और से करवा लेते हैं। कुछ भी हो, ये इशू आ रहा था तो हमने इस चीज़ को चेंज कर दिया, थोड़ा सा यूनिक बना दिया। तो फर्स्ट कमेंट को जो है वो 100 रुपीज़ मिलेगा और बाकी जिसका आंसर सही हुआ, जो मैंने रन्स वाला बोला है, ये कमेंट जो है वो रन्स वाला सिर्फ 7:30 से पहले पहले ही माने जाएंगे, उसके बाद वाले कमेंट को मैं नहीं मानूंगा। तो अब अगर दोस्तों आप इस YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। नया अपना YouTube चैनल है, प्लस ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जरूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप टेलीग्राम के सर्च बार में आके @CRIC11 भी आप सर्च करके जो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में ड्रीम इलेवन का लोगो लगा हुआ है, प्लस चैनल का नाम क्रिकेट प्रेडिक्शन / ड्रीम इलेवन एक्सचेंज 22, ठीक है ना, ये तो आप जरूर इसको ज्वाइन करना। अब दोस्तों, अगर हम बात करें एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन के अंदर आफ्टर टॉस, बहुत सारे हमारे यूज़र बोलते हैं कि भाई पिक दिया करो, तो मैंने जो आफ्टर टॉस ये पिक आपको सजेस्ट किए थे, जैसे कि जायसवाल, केन विलियमसन, होल्डर। अब एक्सचेंज 22 एप्लीकेशन के अंदर क्या है कि आफ्टर टॉस जब से ट्रेड स्टार्ट हुआ तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगे। इससे हमें पता लग जाता है कि देखो, जायसवाल अगर राजस्थान रॉयल की टीम पहले बैटिंग करेगी तो मैंने वीडियो में बोला कि अच्छा काम कर सकता है, केन विलियमसन अगर हैदराबाद की टीम चेस करेगी तो अच्छा काम कर सकते हैं, ये भी मैंने वीडियो में बोला था। होल्डर के लिए तो मैंने पहले ही बता दिया था कि देखो 36 रुपये का रेट है, तो मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा एक विकेट चट जाएगा, और वो भी मिल जाता वो तो मिसफील्डिंग हो गया। 36 रुपये का था, एक विकेट मिलने का चांस और ऑलमोस्ट हमें प्रॉफिट हो जाएगा, वही हुआ, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट हमें प्रॉफिट ही हुआ, जिसके कि विनिंग स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देख सकते हो। प्लस क्रिकेट प्लस प्लस एप्लीकेशन में हमारा प्रॉफिट हुआ, इसका भी डाउनलोड लिंक मैंने दे रखा है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और प्रॉफिट की अगर बात करूँ तो अब्दुल समद को मैंने जो 100 शेयर्स में सेल किया था, जिसका कि मेरे को प्रॉफिट मिला। देखो, मैंने एक चीज़ बोली है, मेरा लक थोड़ा सा ख़राब है किस चीज़ में कि जिस प्लेयर को मैं सेल करता हूँ ना, वो एक एच 100 में से 100% लेके जाता है। ये तो मेरे साथ हमेशा होता है। देखो, मैंने जिस जिसको बाय किया उसने एक ने भी कैच नहीं लिया, ठीक है ना, एक ने भी कैच नहीं लिया। वो आपको मैं बताता हूँ, अब्दुल समद को मैंने सेल किया, इसने 2 कैच ले लिए, अदरवाइज टोटल प्रॉफिट था। संदीप शर्मा को सेल किया, इसने विकेट ले लिया, कैच नहीं लिया, चलो छोड़ो। बाकी होल्डर ने कैच ले लिया एक, उसके बाद विलियमसन ने तो कोई कैच नहीं लिया, यशस्वी जायसवाल ने भी कोई कैच नहीं लिया। तो ये था हमारे, मतलब जो मैं लक बता रहा हूँ, ठीक है ना, मैं जिसको सेल करता हूँ ये सोच लो कि उसके 8 पॉइंट तो हो गए। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारी पिक्स के बारे में। दोस्तों, डबल हेडर होने वाला, तो ये मुकाबला आपको पता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग 3:30 बजे स्टार्ट होगा। प्लस ग्राउंड की अगर हम बात करें तो शारजाह का ग्राउंड है, विकेट भी थोड़ा सा फ्रेश है। लास्ट टाइम जो बहुत ज़्यादा स्लो विकेट था, जहाँ पर कि विकेट्स गिर रहे थे, रन नहीं बन रहे थे, पंजाब और हैदराबाद का जो मैच था, बट मैं भी इस मैच में अगर हम बात करें तो दोपहर का टाइम है, धूप होगी, तो विकेट जो बैट्समैन को हेल्प ज़्यादा करेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अगर मैं आपको बताऊं तो वो है टॉस, ठीक है ना। टॉस तो इम्पॉर्टेंट रहता ही है इस मैच में, तो थोड़ा सा आप इन्वेस्टमेंट टॉस से पहले इन्वेस्टमेंट लेस करना, जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ उस चीज़ पर थोड़ा फोकस करना, और आफ्टर टॉस आते ही ट्रेड कर लेना। बहुत सारे यूज़र बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो बोलते हैं कि आफ्टर टॉस ट्रेड 20 शेयर की होती है, तो वो देखो वो थोड़ा सा एक मसला है। बाकी देखो, आप उससे पहले भी कुछ चाहो तो कर सकते हो इन्वेस्टमेंट, बड़े इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे कि मैंने 100 शेयर्स लिए थे अब्दुल समद पे, थोड़ा सा रिस्की था, बट वो बोलते हैं ना कि बस एनालिसिस अच्छा होना चाहिए, सब कुछ चलता है। अगर वो कैच नहीं लेता तो बहुत बड़ा प्रॉफिट भी बन सकता था। अब देखो, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, कोलकाता की तरफ से मॉर्गन की कप्तानी मेरे को बहुत ज़्यादा वियर्ड लगती है, बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से कैप्टनसी करते हैं, हम जो सोचते हैं वैसा ये नहीं करते। अब देखो, सुनील नारायण को 20 ओवर देना, 20 ओवर सुनील नारायण को देखा तो देखो, सुनील नारायण जिस हिसाब का बॉलर है ना, वो एक विकेट चटकाएगा, कन्फर्म चटकाएगा, एक विकेट वो मिडिल ओवर्स में भी चटकाएगा। बट मेरे अकॉर्डिंग देखो, जिस हिसाब से दिल्ली की टीम है, अब इसमें मैं एक चेंजेस आपको बता दूँ, जो स्टीवन स्मिथ का मैंने लास्ट टाइम बोला था कि स्टीवन स्मिथ आएगा तो आप हेडमेयर को सेल कर देना, अब स्टीवन स्मिथ नहीं आएगा तो हेडमेयर की तो कंफर्म है ना बैटिंग ऊपर आएगी, और बैटिंग ऊपर आएगी तो हेडमेयर तो हिटिंग करेगा। मैं भी बोला जा रहा है कि स्टीवन स्मिथ इस गेम में खेल सकता है, स्टीवन स्मिथ इस गेम में सिलेक्शन के लिए रेडी है,
स्मिथ अगर खेलता है ना, तो एक चीज़ आपके लिए है कि आफ्टर टॉस आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाता है शमरन हेटमायर, उस केस में आप सेल कर सकते हो। प्लस अगर दिल्ली की टीम चेज़ करे तो भैया 100 में से 100% इसको सेल करना है 22 रुपये में, क्योंकि उस केस के अंदर क्या कि हेटमायर की बैटिंग आने का चांसेस कम बनेगा। प्लस स्टीवन स्मिथ आने से क्या होगा कि देखो शिखर धवन भी इस गेम में मेरी अकॉर्डिंग रन करेगा, पृथ्वी शाह भी रन करेगा, उसके पास श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, स्टीवन स्मिथ, ये 5 प्लेयर हो गए ऊपर के, तो हेटमायर का 6ठा नंबर आता है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है कुछ रन्स करने के लिए, और 10 में से 1 आध IPL गेम में ये रन्स करते हैं। तो हेटमायर देखो आपके लिए वैसे ही प्रॉफिटेबल पिक बन सकती है सेल के लिए, जैसा कि मैंने अभी बोल दिया आपको। अब देखो अगर मैं बात करूँ देखो शिखर धवन और पृथ्वी शो की, शारजा के ग्राउंड में दोनों ही प्लेयर्स का रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, अगर दिल्ली की टीम चेज़ करती है तो आप दोनों को बाय कर लेना, और अगर दिल्ली की टीम पहले बैटिंग करती है तो शिखर धवन को आपको बाय करना 35 रुपये में ऑफर में बाय में मिले, और पृथ्वी शाह 28 में बाय में मिले तो आप जुट रहेगा ना। मैं कहने का मेन मकसद ये है कि आप शिखर धवन और पृथ्वी शाह दोनों को बाय के लिए ट्राई कर सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग प्रॉफिटेबल पिक रह सकती है ये। और उस केस में अगर देखो दिल्ली की पहले बैटिंग आए तो श्रेयस अय्यर आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना ऑफर के लिए, तीनों ही प्लेयर मैं आपको बाय के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग तीनों प्रॉफिटेबल रह सकते हैं, बस आप ऑफर्स का ध्यान रखना, जैसे ही आपको बाय में कोई भी बढ़िया प्लेयर मिले तो आप इनको जरूर ट्राई करना, ऑफर्स के लिए बेस्ट प्लेयर रहने वाले। ऋषभ पंत की अगर मैं बात करूँ देखो स्टंपिंग वगैरह के चांस क्रिएट करते हैं, लास्ट गेम में अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, अगर स्टीवन स्मिथ खेलते हैं देखो थोड़ा सा टॉस पे डिपेंड करेगा, अगर स्मिथ खेलते हैं तो स्मिथ 4 पे आएंगे, और उस केस में अगर दिल्ली की टीम चेज़ करे तो आप थोड़ा सा कम फोकस करना बाय पे, आप अगर ऑफर में 40 में मिले आपको ऋषभ पंत सेल के लिए तो आप सेल कर देना, अगर दिल्ली की टीम चेज़ करे। देखो ये चीज़ मैं आपको कंटिन्यू बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ हमें काम दी है आज के मैच में, जो अभी मैच हुआ था हैदराबाद वाला, जिसमें कि मैंने बोला अगर हैदराबाद की टीम चेज़ करती है तो केन विलियमसन प्रॉफिटेबल रह सकता है, तो उस केस में देखो ऋषभ पंत को आपको बाय करने का कोई मतलब नहीं बनने वाला, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वो 30 पॉइंट देगा 35 पॉइंट देगा, जो कि आपके बाय के रेट के बराबर आएगा, डबल पॉइंट तो वो देने से 80 पॉइंट कहाँ से दे जाएगा, ठीक है ना, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। और अगर दिल्ली की टीम पहले बैटिंग करे तो आप ऋषभ पंत को जरूर ट्राई कर लेना, क्योंकि उस केस में ये विकेट कीपिंग से कुछ पॉइंट दे सकते हैं प्लस बल्लेबाजी से भी। अब हम बात कर लेते हैं इनके बॉलर्स की, देखो अश्विन मेरी एक ऐसी लकी लॉटरी है, मैं आपको बताऊँ ना, एक ऐसी लकी लॉटरी है जो कि कभी भी लग सकती है मेरी। अब मैं बताता हूँ देखो ऐश की लास्ट गेम में बैटिंग आई थी, 6 पॉइंट दे दिए उसने बैटिंग से, 1 विकेट चटका गया, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि 1 विकेट ही चटकाता है वो 20 पॉइंट, मतलब टोटल इसने 26 पॉइंट दे दिए थे, 20 रुपये में सेल में था, मेरा 6 रुपये पर शेयर लॉस हो गया था। इस गेम में भी मैं देखो शारजा का ग्राउंड है और कोलकाता का बैटिंग लाइनअप थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है मेरे को, जहाँ तक मैं अगर बात करूँ देखो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग शुभमन गिल लग रहा है, नीतीश राणा थोड़ा स्ट्रॉन्ग चल रहा है, राहुल त्रिपाठी स्ट्रॉन्ग चल रहा है, मॉर्गन स्पिन के अगेंस्ट फंस सकता है, अगर मॉर्गन के सामने अश्विन, देखो मॉर्गन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और अश्विन राइट हैंडेड बॉलर है, तो देखो थोड़ा सा इनके बीच में राइवलरी हो सकती है, तो मॉर्गन की अगर बात करूँ देखो मॉर्गन को इस गेम में आप सेल के लिए ट्राई कर सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा प्रॉफिटेबल पिक रह सकता है। तो अश्विन अगर शिकार करेगा तो वो करेगा मॉर्गन का, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, उसके बाद कोई ज़्यादा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन यहाँ पर है नहीं, वेंकटेश अय्यर है जो कि शायद स्टार्ट में ही सिमट सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि दिल्ली के पास जो रबाडा और नोरके वो बहुत अच्छे टच में चल रहे हैं, बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट देखो ऐश को आप ट्राई कर सकते हो, 1 विकेट मिलने का चांस है, जो हाल लास्ट मैच में दिल्ली का होता वैसा शायद इस गेम में नहीं होगा, अगर स्मिथ आते हैं तो स्मिथ पूरा इनिंग को संभाल के रहेंगे जैसे केन विलियमसन चलते हैं, तो 4 ओवर मिलने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा विकेट चटकाने का चांस है, एक अगर एक भी नहीं मिलता तुम्हारा टोटल प्रॉफिट होने का चांस है, 20 शेयर तक आप इनको सेल कर सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग आफ्टर टॉस आप इन पर ज़्यादा फोकस करना, अगर दिल्ली की टीम पहले बॉलिंग डाले तो आप इनको सेल के लिए ट्राई जरूर करना, बाद में देखो जैसे चेज़ करने आएगी तो मे भी कोलकाता विकेट ज़्यादा गिर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करूँ नोरखिया की और रबाडा की, तो देखो ये स्टिल रिस्की है क्योंकि शारजा ग्राउंड अभी विकेट का भी पता नहीं चला कि कैसा विकेट है, तो आफ्टर टॉस मैं आपको बता दूंगा कि ऐसा विकेट है, तो इस केस में अगर दिल्ली की टीम पहले बॉलिंग डाले तो आप नॉर्थ जो रबाडा को बाय कर लेना, अदरवाइज ये रिस्की है। और आवेश खान की मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा चांस लग रहा है एक विकेट चटकाने का, उसके अलावा मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा, तो आवेश खान को भी आप सेल के लिए ट्राई कर सकते हो। अक्षर पटेल जिस हिसाब से शारजा का लास्ट का विकेट था तो उसमें तो अक्षर पटेल के लिए बाय करने में प्रॉफिट था, बट अभी अगर मैं बात करूँ तो अक्षर पटेल भी आफ्टर टॉस की ही आपके लिए बेस्ट रहने वाले, अभी फिलहाल थोड़े से रिस्की है। ललित यादव खेलने के चांसेस कम है, अगर खेलते भी है तो आपको सेल में ही फोकस रखना है, 6ठे नंबर पे बैटिंग आएगी, 1 या 2 ओवर बॉलिंग मिलेगी, ठीक है ना, तो उस केस में आप अगर ये खेलते हैं कंटिन्यू तो आप इनको सेल कर सकते हो। अब बात करें हम कोलकाता की तरफ से, देखो दिनेश कार्तिक की अगर मैं बात करूँ बैटिंग आने का चांसेस थोड़ा सा नीचे है, अगर हम बात करें शुभमन गिल की, अगर मैं बात करूँ सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर शुभमन गिल, अगर आपको ऑफर में बाय में 3200 मिल जाए तो बाय करना जरूर, आपके लिए प्रॉफिटेबल पिक रह सकते हैं शुभमन गिल। देखो शुभमन गिल लास्ट गेम में रन आउट हो चुके थे, अदरवाइज इस गेम में मेरे अकॉर्डिंग देखो अच्छा काम कर सकते हैं, मैंने इनको पहले भी सेल किया था, ये सेल किए प्रॉफिट भी दिया था, बट अभी मैं बाय के लिए सजेस्ट करूँगा आपको, मैं भी इस गेम में प्रॉफिट दे जाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नीतीश राणा की, ये भी आपके लिए बाय और होल्ड दोनों के लिए बढ़िया पिक बनती है, नीतीश राणा कोलकाता सॉरी दिल्ली के खिलाफ इनका रिकॉर्ड भी अच्छा रहता है। वेंकटेश अय्यर की मैं बात करूँ देखो अच्छा प्लेयर है, 1-2 ओवर भी डाल सकते हैं बॉलिंग के लिए, बट स्टिल अगर मैं बात करूँ ओपनिंग करने आते हैं, अब जिस हिसाब का इनका इंटेंट रहता है हार्ड हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, आते ही बड़ा बड़ा स्टार्ट करते हैं,
बट इनके सामने जो फर्स्ट बॉलर है नॉर्थ जे रबाडा, मेरे को अकॉर्डिंग इनका एज लगने का थोड़ा ज़्यादा चांसेस बनेगा, जिस केस में कि यहाँ से कैच जो है वो ऋषभ पंत के पास जा सकता है। मैं मतलब लीडिंग ऐसे ही आउट भी हो सकता है। बहुत सारे मैचेस हमने देखे हैं कि इनके एज लगते हैं ज़्यादा बैटिंग में, जैसे कि ट्रेंट बोल्ट मुंबई के, इनके सामने तो लीडिंग एज लग रहे थे या एज लग के सिक्सेस जा रहे थे। मैं भी जिस हिसाब का पेस है दिल्ली के बॉलर्स के पास, तो इनको वो जरूर परेशान करने वाला है। दोपहर का मैच है, विकेट पे धूप होगा तो और भी ज़्यादा परेशान करेंगे। तो वेंकटेश अय्यर को मैं सेल के लिए सजेस्ट करने वाला हूँ। उसके साथ साथ राहुल त्रिपाठी की अगर मैं बात करूँ तो इनको भी मैं सेल के लिए ही सजेस्ट करूँगा। बहुत लंबे टाइम तक अच्छे रन्स कर दिए हैं, और मैं भी जब जब ये राहुल त्रिपाठी लंबा स्कोर करते उसके बाद एक थर्ड गेम फोर्थ गेम में फ्लॉप होने का चांसेस बनता, जो मैंने एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग। राहुल त्रिपाठी वेंकटेश अय्यर को आप सेल के लिए ट्राई कर सकते हो। मॉर्गन थोड़ा सा रिस्की है, आफ्टर टॉस आप थोड़ा सा इन पे करना। देखो अगर कोलकाता की टीम चेज करे तो आप इनको सेल के लिए जरूर प्रेफर करूँगा मैं आपको, और अगर कोलकाता की टीम पहले बैटिंग करे तो थोड़ा सा अगर आपको ऑफर में बाय में मिले तो 30 रुपये में बाय कर लेना, बट थोड़ा सा सेफ की अगर बात करूँ तो सेल के लिए सेफ रहने वाले हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एंड्री रसल की, 4 ओवर तक बॉलिंग मिल सकती है इनको, प्लस बैटिंग आने का चांसेस इस गेम में जरूर बनेगा। तो एंड्री रसल को आप बाय और होल्ड दोनों के लिए ट्राई कर सकते हो। बड़े हिटिंग के लिए भी जाने जाते हैं, शारजा जैसा ग्राउंड है, इनको जरूर प्रमोशन मिलेगा बैटिंग में। सुनील नारायण की अगर मैं बात करूँ, देखो एक विकेट मिलने का चांसेस है। अगर कोलकाता की टीम पहले बॉलिंग डाले तो इनको 20 ओवर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और अगर कोलकाता की टीम डिफेंड करेगी, बॉलिंग बाद में डालेगी, तो इनको कभी भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकता है कप्तान। तो बट मे भी अगर आपको मैं बोलूँ तो एक विकेट मिलने का चांस, आप इनको सेल के लिए ट्राई कर सकते हो। जैसा कि स्टार्ट के गेम में विकेट लेस गए थे, हो सकता है इस गेम में भी विकेट लेस जा सकते हैं। दिल्ली की टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस गेम में। अब अगर हम बात करें दिनेश कार्तिक की, तो देखो दिनेश कार्तिक ही थोड़ा सा रिस्की, अगर कोलकाता की टीम पहले बैटिंग करे तो इनको जरूर बाय के लिए ट्राई करना, अदरवाइज आप मैं सजेस्ट करूँगा सेल के लिए। अब बॉलर्स की अगर हम बात करें, यहाँ से वरुण चक्रवर्ती, लोकी फर्गुसन, प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा देखो बॉलिंग अच्छी डालते हैं, बट एक विकेट ही मिलता है कंफर्म, और 40+ रन दे के जा रहे हैं कुछ लास्ट के कुछ गेम्स में। थोड़ा सा अच्छे इंटेंट नहीं है, लास्ट गेम भी हरा दिया था जडेजा ने, इनके अच्छे खासे रन लगाए थे 20 से 22 रन एक ओवर में। तो देखो वरुण चक्रवर्ती भी अच्छे स्पिनर्स हैं, और प्रसिद्ध कृष्णा भी अच्छे हैं, और लोकी फर्गुसन भी अच्छे गेंदबाज है, बट मेरे अकॉर्डिंग तीनों के एक विकेट्स मिलने का चांसेस बनेगा। अब देखो वरुण चक्रवर्ती अगर बात करूँ विकेट की, जैसे मैंने बात की अगर लास्ट गेम में जो विकेट था वो स्पिन को हेल्प करा था, और उसके साइड वाला जो पिस था जिसपे कि हरी मेट बिछाई हुई थी वो फर्स्ट गेंदबाज के लिए प्रॉफिटेबल है, प्लस बैट्समैन के लिए प्रॉफिटेबल है। दोपहर का टाइम है, धूप खिली हुई होगी तो वो उछाल या बैट पे बॉल आएगी जो बोलते हैं ना, उसके इसमें वरुण चक्रवर्ती को आप सेल के लिए ट्राई कर सकते हो, प्रॉफिटेबल रहने वाले हैं। प्रसिद्ध कृष्णा को भी सेल के लिए ट्राई कर सकते हो। लोकी फर्गुसन थोड़े रिस्क के गेम में, आप इनको स्किप कर सकते हो। तो ये थे हमारे प्लेयर्स बाय और सेल के। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से प्रीमियम मल्टीबैगर के बारे में। प्रीमियम मल्टीबैगर की अगर मैं बात करूँ यहाँ से, तो देखो एंड्री रसल, शुभमन गिल, शिखर धवन, तीन मेरे फेवरेट प्लेयर रहने वाले इस गेम में। शुभमन गिल, एंड्री रसल, शिखर धवन, मैं इनको स्पेशली ट्राई करूँगा। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी जा सकते हो, आप अपनी प्रेडिक्शंस भी लगा सकते हो। तो अगर आपके प्रेडिक्शन वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।